जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पीछे की तरफ नवनिर्मित राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का शुभारंभ लोकार्पण केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर विधायक द्वय, जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचंद्र पटेल के साथ अनेक लोगों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा। इसी दौरान वन अधिकार पट्टों का वितरण भी माननीय मंत्री के द्वारा किए गए। दोनों ही भवनों के उद्घाटन के बाद जहां आजीविका मिशन के लिए कार्यालय मिल गया है, वहीं लंबे अंतराल के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को, जो बड़ी ही खराब कंडीशन में था, उसके लिए भी एक कार्यालय मिल गया है, जिससे अब यहां पर आने वाले लोगों को सुविधाओं मिल सकेंगी। वहीं अनेक लोगों को वनाधिकार पट्टे भी मिले हैं। इस अवसर पर मंत्री जी ने वनाधिकार पट्टे मिलने पर सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि यह सरकार का अनोखा और अतुलनीय कदम है। बहुत है यार, शूटिंग हटा विधायक आदरणीय दंतवाय जी, जिले के कलेक्टर माननीय तरुण राठे जी, सांसद और प्रतिनिधि आदरणीय आलोक गोस्वामी जी, जवेरा के विधायक अशोक देश को लेकर माँ वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ आज का एक विशेष कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय और आदरणीय बेटियों का वंदन करें इस विश्वास के साथ कि या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय मनीष तिवारी जी आ जाए। माँ वीणा पाणी, माँ जगत जननी हमारे यहाँ उपस्थित है, जिला प्रशासन के मुख्य माननीय कलेक्टर महोदय, और ये समर्पित है आप सबके लिए ये दो भवन। मैं सीधा कर करता हूँ स्वागत भाषण की, जिला शिक्षा अधिकारी दमोह श्री एच एन नेमा जी आए और दो सौ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और आजीविका भवन को नए भवन मिले हैं और इससे इन दोनों विभागों की कार्य क्षमताओं में वृद्धि होगी और एक बहुत बड़ी सौगात इन कार्यालयों के लिए है। मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ माननीय सांसद जी का, माननीय मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं हमारे, उनका कि आज उन्होंने सौगात जिले को दी है और उनके मार्गदर्शन में जिला उत्तरोत्तर प्रगति को अग्रसर रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम के मुकाबले के लिए। धन्यवाद। कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष मुहिम चला करके जो वनाधिकार के पट्टे काफ़ी लंबे समय से जो हमारे वनवासी और अन्य लोग वनाधिकार की वन भूमि पर खेती कर रहे हैं परंतु उनके पास स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं थे, उनको एक अभियान चला करके उन पट्टों की स्वीकृति का कार्यवाही की गई है और आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे दमोह विकास खंड के ही 143 हमारे भाई बहनों को आज ये वनाधिकार पट्टे वितरित होंगे और निश्चित रूप से ये एक उनके लिए एक नई उमंग और नई आशा लेकर के आएंगे क्योंकि उनके पास भूमि का स्वामित्व संबंधी दस्तावेज होगा। इसी के साथ ही मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि इन सभी जितने भी वनाधिकार पट्टाधारी हमारे भाई बहन हैं जिनको आज हम वनाधिकार पट्टा वितरित करेंगे, उनको पीएम और सीएम किसान, जो केंद्र और राज्य सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार 6,000 रुपये 3 किस्तों में, 2,000 की 3 किस्तों में और राज्य सरकार 2,000 रुपये 4,000 रुपये, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10,000 रुपये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से किसान भाइयों को दिए जाते हैं उनमें भी इन लोगों का पंजीकरण हो गया है। पहली बार सिवनी से सांसद था 1989 में, 90 में वहां पर सरकार पटवारी की सरकार थी। पहली बार मुझे अपने जीवन में ये पट्टा बांटने का और पट्टा दिलवाने का अनुभव प्राप्त हुआ।
और ये प्रक्रिया तभी शुरू हुई। और वहाँ एक लखनादौन विधानसभा है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जनजाति के लोग आदिवासी वहाँ पर रहते हैं और जंगल बड़ा घना जंगल है, लेकिन उनके पास में स्वामित्व नहीं था अपनी जमीन का। लोग हमसे कहते थे, तब तक हमको बहुत समझ में आता नहीं था, हम भी नए नए सांसद बने थे, ये पल्ले नहीं पड़ता था कि क्या वास्तव में इसकी प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन एक बार लगा कि ये बात जिनाई नहीं, ये पट्टे इनको मिलने चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि संसद के विधेयक में मैंने भाषण दिया था तो मैंने कहा था कि हमने कुछ शायद नीति में गलती की है, जिन्हें जंगल को अपना माँ बाप सब कुछ माना, हमने उनको जंगल से बेदखल करने की जो गलती की है और वो उसके शत्रु बन गए। और उस समय तक जंगल में कभी आग लगती थी तो कोई मजदूरी नहीं मांगता था और सारा गांव का गांव मदद करने के लिए जंगल विभाग के लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच जाता था, झाड़ू लगाता था, आगे आगे जला दिया, झाड़ू लगा दिया, एक ड्रेंच बना दी ताकि आगे आग ना लगे। जो आदमी अपने खुद के सामर्थ्य से जंगल की रक्षा करता था वो जंगल का दुश्मन कैसे हो गया? ये बात मैंने संसद में भाषण में कही थी। मुझे लगता है कि कई बार हम ऐसी चूकें कर देते हैं, किन कारणों से होती है मुझे पता नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत था। इसलिए मैं आज इस बात से गौरवान्वित हूँ कि दमोह के इन तमाम लोगों को जिनको आज अपनी जमीन का स्वामित्व मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, जब देखो जब कोई डंडा देकर पटक रहा है कि तुम्हारे पास तो पट्टा है नहीं है तुम ये कर दो वो कर दो, भ्रष्टाचार भी होता है, भय भी पैदा किया जाता है, इन सब बातों से आपको राहत मिलेगी। अब अवसर होगा वन अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संचालित मध्य प्रदेश वन मित्र अभियान के पट्टा और साथ में कुआ का स्वीकृति पत्र भी यहाँ अतिथि के द्वारा उमेश सिंह ग्राम नौनपानी से कृपया तालियां बजाकर इनका अभिनंदन। श्री भगवान सिंह जी तीरथ सिंह जी मिहिलाल जी कृपया मंच पर पहुंचे, बिहारी वोट हो जाए, बिहारी ही हो जाए एक मिनट। लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से प्रशासन का ये उद्देश्य है हमारी नारी शक्ति समृद्ध हो, संपन्न हो, और ये स्वीकृति पत्र सरस्वती जी स्वयं सहायता समूह यहाँ से सम्मानी सीता जी ये अवलोकन कर रहे हो। ये बताओ कुछ अगर कुछ बताना है तो सर।